सभी को नमस्ते। ये पैन जब आप पूरी तरह से सेट करेंगे, उसके बाद इस तरह से इसमें आपको प्लांट्स लगाने हैं। कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं, चाहे आप सकलेंट लगाइए, चाहे सीडम लगाइए। ये फ़िलहाल मैंने एशिवेरा और जेली बीन्स और सीडम, गोल्डन सीडम है, जिसकी कुछ वैरायटी मैंने लगाई है। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर ही लगाएंगे आप, क्योंकि ये जब बढ़ेगा तो पूरी तरह से ये बढ़ जाएगा और फैल जाएगा और अच्छे से ये पूरे पैन को कवर कर देगा। तो इस तरह से आपको 1 महीने के लिए ऐसे ही आपको टेबल टॉप के ऊपर रख देना है। पानी या तो आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो किसी भी बकेट में या टब में डायरेक्टली इसको डुबो के 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद बिल्कुल सीधा इस तरह से इसको आप पकड़ लेंगे तो एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा पानी पूरी तरह से उसमें से निकल जाएगा। इस तरह से बकेट के पानी में मैं डुबो देता हूँ उसको, और उसके बाद उसको निकाल कर आपको दोबारा इसको हैंग करके आप रख सकते हैं, या तो ऐसे ही आप उसको 2 मिनट के लिए पकड़ के रखिए। एक्स्ट्रा पानी पूरी तरह से इसमें से निकल जाएगा और आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल आप अच्छे से सेट कर पाएंगे। ये ऐसे ही आपको या तो ऐसे हैंग कर देना है इस तरह से, तो एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल जाएगा। और अगर सेट करते समय आपको सीधे रखना है तो स्प्रे से इसको पानी दे दीजिए। 1 महीने आपको ऐसे ही रखना है इसको टेबल टॉप पर, और 1 महीने बाद इसको आपको हैंग कर देना है, क्योंकि 1 महीने बाद ये इस तरह से पूरा सेट हो जाएगा अच्छे से। उसमें रूट्स अच्छे से बढ़ जाएंगे अंदर, तो ये गिरेगा नहीं नीचे। जब ये पूरा 1 महीने बाद आप सेट हुआ देखेंगे तो आप इस तरह से ही इसको देखेंगे कि ये देखिए बिल्कुल गिरेगा नहीं कुछ नीचे, और धीरे धीरे ये सारा फैल जाएगा। पूरा जितना भी है इसमें, जो भी सीरम दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा फैल जाएगा, और 2 महीने के अंदर पूरा आपका पैन जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें ना ही आपको जाली दिखेगी, ना ही आपका कोकोनट कॉयर दिखेगा, ना ही आपको कोई थ्रेड दिखेगा। ये सिर्फ पूरा प्लांट से भरा हुआ आपको ये पैन दिखेगा। ज़रूर बना के देखिए।